उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी के इस्तीफा देने के बाद अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने भी अपना पद छोड़ा। कांग्रेस नियुक्त राज्यपालों के अपना पद छोड़ने वालों की फहरिस्त में अब दत्त भी शामिल हो गए हैं। इराक ने देश में बिगड़ते हालात के मद्देनजर अमेरिका से मदद मांगी है। इराक ने अमेरिका से जिहादी चरमपंथियों के खिलाफ हवाई हमले करने का आग्रह किया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते इराक के तिकरित, मोसूल और बैजी जैसे कई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक में अगवा किए गए भारतीयों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सरकार पूरे मामले पर अपनी निगाह बनाए हुए है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि इराक में अपहृत भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के लिए वो लगातार सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इराक में फंसे लोगों के संबंधियों को लगातार मदद मुहैया करा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार भारतीयों की रिहाई जल्द से जल्द कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह को खत्म करने संबंधी प्रधानमंत्री के फैसले पर मुहर लगाई गई। बैठक में मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए 3 सदस्यों वाली निगरानी समिति गठित करने की मंजूरी दी गई। राज्यसभा में आज कुछ राज्यों से खाली हुई सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। इस महीने की 12 तारीख को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख शरद यादव को निर्विरोध रूप से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार में देखी गई तेजी, सेंसेक्स 125 अंक मजबूत होकर 25,371 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 38 अंकों की बढ़त के साथ 7,596 अंक पर पहुंचा। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 46 पैसे की बढ़त के साथ 59.93 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। कल के कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 36 पैसे की गिरावट के साथ 60.39 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। जुर्गेन स्टॉक को इंटरपोल महासचिव अमेरिका के रोनाल्ड के नोबेल का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही भारत इस दौर से बाहर हुआ। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा महासचिव पद की उम्मीदवारी की दौड़ में थे। श्रीलंकाई संसद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच में सहयोग न देने का प्रस्ताव पारित किया है। 144 सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में जबकि 10 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। मुख्य विपक्षी दल यूएनपी ने मतदान में भाग नहीं लिया। गत विजेता स्पेन विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर हुआ। ग्रुप बी के मुकाबले में स्पेन को चिली के खिलाफ भी 2-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कल पूर्व उप विजेता हॉलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मात दी। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया ने कैमरून को 4-0 से हराया।